हम इसके बारे में सीबीआई की तपास मांगते हैं। सीबीआई इसमें जो जो अधिकारी शामिल है ताबड़तोब उस अधिकारियों को उस पद से सस्पेंड करना चाहिए। बारे में यहाँ पे घोटाले की बात कही जा रही है, क्या है जरा उसके बारे में? ये कांदिवली आरसाव तोड़ पे साईं आजाद एसआरए है और ये साईं आजाद एसआरए जिग्नेश दत्तानी और इसका सेल कंपोनेंट शायद नितिन पटेल, मैं तो दोनों को में से एक को आज जिग्नेश दत्तानी साइट पर आए तब मिले हैं। यहाँ पर झोपड़पट्टी पुनर्वसन की बिल्डिंग का काम शुरू है और झोपड़पट्टी का सेल कंपोनेंट का काम शुरू है। यहाँ पर हमने आज ये पाया है, कुछ समाचार हमको मिले कि तोड़े हुए झोपड़े और जो बड़े गोडाउन थे, शायद ये गोडाउन मुझे लगता है वो एमएम मिठाई वाले का पीछे का पोर्शन का गोडाउन है। एक जगह पर कम से कम 100 से अधिक तोड़े हुए झोपड़े की जगह नए झोपड़े बनाकर उसका नंबर डालकर महानगर पालिका ने वहाँ सर्वे भी कर लिया, महानगर पालिका ने प्रारूप एनेक्चर भी बना दिया। लगभग ये 150 लोगों का प्रारूप एसआरए का प्रारूप एनेक्चर ये महानगर पालिका ने बना दिया। इस पर महानगर पालिका के कॉलोनी ऑफिसर जिनको कार्यभार सौंपा है वो बाउचीकार, असिस्टेंट कमिश्नर इंचार्ज ललित तड़ेकर और कार्यकारी अभियंता आर साउथ राठौड़, डीएम राठौड़, इनकी सही है। ये प्रारूप एनेक्चर 15 अप्रैल को बना, जिसकी एप्लीकेशन सोसाइटी ने 18 मार्च को की है, यानी एक महीने के अंदर अंदर आप देखिएगा शिव शक्ति एसआरए साईनगर तीन तीन चार चार साल तक पात्रता नहीं होती है। ऐसी महानगर पालिका की कितनी एसआरए, जो रास्ता हमारे सामने से मथुरा दास रोड से आता है वहाँ जो ब्रिज बना है वहाँ 7 लोगों की पात्रता करने को हमको 4-4 साल लगे। 7 लोगों की पात्रता जो सही जेन्यून है, ये सारे बोगस, आप लोगों ने वीडियो शूटिंग उतारा है, एक भी आदमी रहता नहीं है, कहीं पर भी पानी का कनेक्शन नहीं है, आजू बाजू में नल नहीं है, ये बोलते हम खाली करके गए हैं। आप देख लीजिए जो खाली करके गए हैं उनके रूम में कोई कपड़ा टेंगाने की खिल्ली भी नहीं लगी है। सबके दरवाजे पर लगे हुए जो दरवाज़ा लॉक करने का अगलिया होता है वो एक ही कंपनी का, लाइट का सभी का बॉक्स एक ही कंपनी का, पंखा सभी का एक ही कंपनी का, मोरिया आप देखेंगे तो सारी मोरिया अलग अलग कलर की, अलग अलग प्लास्टर से बना, बिना प्लास्टर की ब्लॉक की बनाई गई मोरिया। मैं जब सुबह में मैं हमारे नगर सेवक बाला तावड़े कमलेश यादव जी एक कंप्लेंट देखने के लिए आए, 1.5 घंटा हम बाहर खड़े थे, 1.5 घंटा धूप में, 2-4 बच्चे आए, मैं मोबिन हूँ, मैं शकील हूँ, आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा। हम पूछा आप जानते हैं, बोले हाँ जानते हैं लेकिन अंदर जाने नहीं मिलेगा। 1.5 घंटे के बाद पुलिस बुलानी पड़ी, पुलिस भी 1.5 घंटे के बाद आई और हम अंदर गए। हमने सारा वीडियो किया है, आपने भी सारा वीडियो देखा है। हमने महानगर पालिका के कमिश्नर भूषण गागरानी जी से बात की है, हमारे उम्मीदवार पीयूष गोयल जी ने भी भूषण गागरानी जी से बात की है। ये बोगस धंधा मुंबई महानगर पालिका को और मुंबई शहर को परवड़ने वाला नहीं है। मुंबई में कभी भी झोपड़पट्टी ख़त्म नहीं होगी अगर इसी प्रकार से काम चला तो। हमने पुलिस कमिश्नर से बात की, हमने सीओ एसआरए से बात की और आज हम इसके बारे में सीबीआई की तपास मांगते हैं। सीबीआई इसमें जो जो अधिकारी शामिल है ताबड़तोब उस अधिकारियों को उस पद से सस्पेंड करना चाहिए और इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए। मिस्टर गांधी करके महानगर पालिका के कमिश्नर ने भेजा हुआ विजिलेंस ऑफिसर आया, वो एक गेट के अंदर गया और बाहर निकल के चला गया। मैं महानगर पालिका के कमिश्नर को भी विनंती करता हूँ, आज हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं आगे करने काम करने के लिए, लेकिन उनका विजिलेंस वाला अगर कुछ तपास किए बगैर यहाँ से चला जाएगा तो इस पर बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी। ये महानगर पालिका के अधिकारियों का पाप है। मुंबई शहर में एसआरए की योजनाएं कभी ख़त्म नहीं होगी। इस प्रकार के बोगस अगर एसआरए के प्रारूप बनेंगे, ये प्रारूप आप पढ़कर मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लीजिए प्रारूप में ये आपको मिलेगा। देवेंद्र मामतोरा, ए बिलाल अहमद मोहम्मद इस्माइल, आप देख लीजिए, निसार अहमद खान,
अब देख लीजिए इसमें लिखा है मोहम्मद शोएब खान, ये उमेश मरकत सिंह, ये हलीपुर रशीद हरजा खान, ये शिवप्रकाश प्रजापति, ये मोतीलाल यादव, ये वसीम रफीक खान, ये इरफान अहमद अन्नावरू, ये दिनेश जवेरी, ये प्रिया कार्तिक मामतोरा, ये रिकुदेव पांडे, ये आफिका रमजा खान, ये आसपा हारून शेख, ये रुखसाना निशा, ये जुबेदा खातून, इरशाद आशिक अली शेख, ये इस प्रकार के सारे बोगस। अभी आप दुकानों पर भी झोपड़े का नंबर डाला हुआ है, तो क्या दुकानों को भी झोपड़ों में काउंट किया गया? देखिए आपके सामने है इसमें उस दुकानों के ऊपर जो नंबर डाले हैं, ये सभी घर बंद बताए हैं, कुछ दो चार घरों को छोड़ करके। और ये एनेक्सर फाइनल करेंगे, इसका मॉडस ऑपरेंडी ऐसा है, एनेक्सर फाइनल करेंगे, अगर पात्रता नहीं होगा तो वो पीएपी बना के सौंप देगा। और बिल्डर ये कम से कम जो 150-200 घर भोकट के बनाए, 50-60 हज़ार फुट एफएसआई, ये लिंक रोड पर जहाँ से मेट्रो जाती है, जो जुने लिंक रोड से कनेक्टेड है, उधर कमर्शियल और रेजिडेंशियल बनाकर बेचेगा। ये कम से कम 400 से 500 करोड़ रुपए का घोटाला है, 400 से 500 करोड़ रुपए का घोटाला है। क्या जो झोपड़ों को MRDA ने दे दिया है, आपके पीछे ही है, मेरे पीछे है, MMRDA ने जिसको दे दिया है उधर भी झोपड़ा बता दिया है, सभी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, इसकी हम CBI इंक्वायरी मांगेंगे, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। महानगर पालिका क्या वार्ड के अधिकारियों पर हमारा विश्वास नहीं है, पुलिस पर भी हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि पुलिस को बुलाने से 1.5 घंटे बाद आई, और जब ये सर्वे होता है तब पुलिस को बुलाया जाता है।